गाइस सिर्फ एक महीना मुझे फॉलो कर लीजिए और आपकी लटकी हुई बाजू बिल्कुल टोन हो जाएगी। आपकी बाजू इतनी ज्यादा अच्छी शेप में आ जाएगी कि आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। स्पेशली गर्ल्स और लेडी के साथ जैसे हम 25 क्रॉस करते हैं तो हमारा फिजिक अजीब सा फैलने लगता है। सबसे बड़ी गलती होती है हमारी स्ट्रेस लेना, अच्छी हेल्दी डाइट ना लेना और एक ढंग से स्लीप ना लेना। तो इनकी वजह से हमारा पूरा बॉडी फैलता है और बॉडी में सबसे ज्यादा हमारी बाजू जो है वो बिल्कुल लटकने लगती है, जिसकी वजह से हम अपनी फेवरेट ड्रेसेस नहीं पहन पाते। तो क्यों यार उस चीज को छुपाना, बल्कि अपनी बॉडी को एक्सपोज करो, और एक्सपोज नहीं भी करना तो भी अपने आप को देखने में जो सुंदर लगे वो काम तो करना ही चाहिए, है ना। तो बस इन एक्सरसाइज को घर बैठे बैठे खाना खा रखा हो नहीं खा रखा हो बस शुरू हो जाओ, और एक महीने बाद फटाफट से खुद टाइप करने पर कमेंट मजबूर हो जाओगे कि हाँ ईशा बहुत ज्यादा अच्छा इफेक्ट मिला है। तो प्लीज लेकिन रेगुलर फॉलो करना है, ध्यान रखेगा जैसे सांस लेना जरूरी है, खाना खाना जरूरी है, पानी पीना जरूरी है, उसी तरीके से वर्कआउट करना भी जरूरी है। 2 दिन करके हार मत मान जाना कि दर्द हो रहा है, दर्द तो होगा यार, जब इतने टाइम से अपनी बॉडी को नहीं हिलाओगे, कम्फर्ट जोन से बाहर आओगे तो पेन होगा, तभी तो वहाँ का गंदा फैट जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और जमकर शेयर करिए। यहाँ पे लिए मैंने डंबल्स, अगर आपके पास डंबल्स नहीं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन आपको वाटर बॉटल लेनी है वो भी सेम साइज की, ठीक है, उसमें वेट रखेगा, पानी रखेगा। जैसे अगर आप 2 लीटर की ले रहे हैं या 1 लीटर की ले रहे हैं तो दोनों इक्वल रखनी है, क्योंकि वेट जब आप लेते हैं तो आपकी मसल्स पे ज्यादा स्ट्रेच पड़ता है, लोड पड़ता है और उसका फैट टूट के जल्दी वो टोन होती है, ठीक है। तो ये लॉजिक बहुत ही काम करता है आपके बॉडी वेट पे, तभी वेट लिया जाता है। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, डंबल्स को इस तरीके से रखना है और आपको 1 by 1 डंबल को ऐसे डाउन करना है। आप देख रहे हैं जो मैं ऊपर लेके जा रही हूँ तो मेरी कोहनी मेरे बॉडी से अटैच नहीं है, थोड़ा सा गैप रखना है, और सिर्फ मेरी ये वाली हाफ बाजू फोल्ड हो रही है, वो अपर वाली जो पार्ट है वो मैं मूव नहीं कर रही, क्योंकि जब हम इसको मूव करेंगे फिर नीचे लेके जाएंगे तभी मेरा यहाँ का जो फैट है वो रिड्यूस होगा, यहाँ का फैट टूटेगा और मसल टोन होगी, ठीक है। तो 10 हमें राइट साइड करने हैं, 10 ही आपको लेफ्ट साइड करने हैं, और इसके करने हैं आपको 4 सेट, मतलब 4 बार आपको, यानी 40 टाइम्स करना है एक बाजू पे, 40 टाइम्स करना है दूसरी बाजू पे। इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग कमेंट करके पूछते हैं सेट्स क्या होता है, रैप्स क्या होता है, इसलिए जिनको नहीं समझ आती उनके लिए मैं बता रही हूँ। तो इजिली आप इसको बैठ कर भी कर सकते हैं, खाना खा रखा है कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आप अपना पेट पे मसल पे स्ट्रेच नहीं डाल रहे। आपको एक्सरसाइज करनी है और करेक्ट वे, ठीक है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना, बहुत लोग ऐसे करते हैं, ऐसे पूरी बाजू हिलाते हैं, पूरी बाजू हिलाओगे तो हिलाते रहोगे, साल भर भी बाजू एज इट इज रहेगी। पूरी बाजू नहीं हिलानी, जैसे तरीका बताया है, सिर्फ आपकी हाफ बाजू नीचे वाली वो बेंट होगी और ऊपर वाली एज इट इज रहेगी, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं अपनी सेकंड एक्सरसाइज की तरफ, ये भी डंबल से ही है। इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी बॉडी को ऐसे आगे करना है, घुटनों को फोल्ड करना है इस तरीके से, यहाँ पर अपनी जो ब्रेस्ट है उसके पास लेके जाने डंबल्स को, देन बैक मसल को स्ट्रेच करना है पीछे ले जाते टाइम। मैं आपको साइड से दिखाती हूँ, ऐसा आपको 10 टाइम्स करना है और 10 रैप्स के आपको करने हैं 4 सेट, ठीक है, यानी 40 बार आपको उसको करना है। और इसके साथ आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि 10 जब आपने कर लिए तो स्टार्टिंग अगर आपकी है तो आप थोड़ा सा 10 सेकंड्स का गैप लें, रेस्ट लें, देन फिर अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करें। थर्ड एक्सरसाइज के लिए आपको एक वाटर बॉटल लेनी है, 2 लीटर के लेंगे तो और अच्छी बात है, नहीं तो आप 1 लीटर की भी ले सकते हैं, लेकिन वेट के साथ करना है। अब इसके लिए क्या करना है, आपने डंबल या बॉटल का जो गला होगा, नेक होगा, उसको ऐसे होल्ड करना है, पीछे लेके जाना है इस तरीके से, डाउन, आपकी जो बाजू है वैसे कान से चिपकी रहेगी, अप डाउन अप, आपको करने हैं 10 रैप्स और 10 रैप्स के आपको करने हैं 5 सेट, ठीक है। ये बहुत इजी है, डे बाय डे इसको इंक्रीज करना है। जब भी फ्री होते हो, खाना बना लिया,
टीवी देख रहे हो तो भी स्टार्ट हो जाओ, ठीक है ना, क्योंकि इससे आपकी ये जितनी भी मसल अटक रही है ना वो टोन होना स्टार्ट हो जाएगी। अब बारी आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज की। इसके लिए आपको हर टाइम जब भी आप फ्री हो तो इसके लिए आपको कोई स्पेशल बॉटल की जरूरत नहीं, डंबल की जरूरत नहीं, आपको अपनी बाजू को इस तरीके से करना है। यहाँ पे आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपको अपनी आर्म्स को मूव करना है। बहुत लोग शोल्डर को मूव करते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो उससे आपके शोल्डर टोन होंगे, बाजू पे लोड नहीं आएगा। आपको शोल्डर पे ना मूव करते हुए बाजू को लोड डालना है। इस तरीके से आपने क्रॉस करना है। जब आप इस तरीके से क्रॉस करते हैं तो आप नोटिस करना कि जो आपकी बाजू है वो थकने लगेगी और वहां का फैट टूटेगा और वहां की मसल टोन होगी, ठीक है। पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। इससे आपको क्या करना है, सी क्रिएट करना है, ऐसे ऐसे। इससे आप नोटिस करेंगे कि जो आपकी यहाँ की बाजू लटकी हुई थी वो टोन हो गई है, मसल्स में पेन होगा, लेकिन पेन से हमें हार नहीं माननी, हमें मोटिवेशन अपने अंदर खुद पैदा करना है। अपने टाइट टाइट कपड़े स्लीवलेस पहनना है ताकि हमें अपना फैट दिखे, बुरा लगे, और बुरे लगने पर हमें इसको ढकना नहीं बल्कि उसमें उस टाइम एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। तो चलिए ऐसा आपको 10 टाइम्स करना है, और 10 टाइम्स करने के आपको जो सेट है वो करने हैं 5 सेट। तो ये जब भी आप फ्री होते हैं, कपड़े वॉश कर रहे हैं, खाना बन रहा है उस टाइम पे, अगर आप फ्री हैं किचन में हैं, थोड़ी देर के लिए कमरे में आते हैं तो वर्कआउट स्टार्ट कर दे। मैं आपके लिए हमेशा कुछ बेहतर लाऊंगी और आपकी जिंदगी को और खुशनुमा बनाती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।